ये है कि ये पता चला है कि भारत ने ये फैसला किया है कि वो जो G20 की मीटिंग है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो करवाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया है कि जी ये जो प्लान है ये जो है वो कश्मीर की जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसके खिलाफ है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो कमिटमेंट्स हैं यूएन में ये उसके खिलाफ है। आप कैसे देखते हैं ये, भारत ने क्या कैलकुलेट किया? वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अब इस काबिल नहीं रहा कि इनकी कोई बात नहीं सुनेगा? दूसरा, ये भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी टेस्ट केस है उनके लिए भी, और उनको बता रहे हैं कि ये हमारा एरिया और हमारा इस पे कंट्रोल है। तो आप इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या ये भारत का एक ग्लोबल क्लाउट है, नरेंद्र मोदी साहब की ये जो पॉलिसीज हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग जेस्चर है, या कि पाकिस्तान की कमजोरियां हैं? इसको किस एंगल से आप तार सब देखेंगे? चीमा साहब, आपने अपने सवाल के अंदर ही कई चीजों का जवाब भी खैर दे दी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको एलैबोरेट करूंगा कि G20 समिट अगर पिछले माजी में देखी जाए, जहां जहां भी होती रही है, वो एक तो बड़ी सीनिक जगह पे होती है जहां भी G20 मीटिंग्स होती है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो अगले साल ये होंगी मीटिंग्स, 190 मीटिंग्स होंगी भारत के अंदर, उनमें से कुछ फिर जो है दे विल टेक प्लेस इन कश्मीर। जो मैं समझता हूं उसके 370 आर्टिकल 370 के जाने के बाद कश्मीर के अंदर सबसे पहले ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट मीटिंग होगी। इससे जो भारत है वो कई ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी बहुत ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अनरेस्ट भी वैली में मौजूद है, और जो चीजें वो शोकेस करना चाहते हैं वो एक मिनट के अंदर जो है वो दूसरी साइड पे भी जा सकती है। एक तो वो जो सबसे ऑब्जेक्टिव बड़ा वो लेना चाहते हैं, एक तो अपना वो वहां पे राइट अपना जो है उनका कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, उसको वो तकबीयत पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा, दुनिया को बताना चाहते हैं कि दिस इज द प्लेस, लुक एट द सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर, और जिस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, प्लीज कम हेयर एंड इन्वेस्ट द मनी इन कश्मीर। उसका पोलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा और इकॉनमी का भी, उसका दोनों तीनों चीजों को उसको देख रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक उसको समझ रहे हैं कि इट विल बी अ मास्टर स्ट्रोक फॉर भारत, बिलखसूस मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए।